अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और मेरी फैमिली की तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं दो दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। मैंने कुछ पिक्चर्स और क्लिप्स लिए हैं दावत वगैरह के, तो वो मैं बीच में ऐड कर दूंगी थोड़े थोड़े से। तो आज मेरी नन की दावत है घर में और मैं बनाने जा रही हूँ यखनी पुलाव। तो यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने डेगची में पानी, गोश्त मेरा तकरीबन 1.5 किलो है, चावल भी 1.5 किलो हैं, और धनिया मैंने लिया है, साबुत धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च लिया मैंने 1/2 टेबल स्पून, और मैंने साथ ये नमक डाला है 1 टेबल स्पून, और दालचीनी के 6 से 7 टुकड़े डाले हैं। अब एक ये वाला लहसुन इतना मीडियम सा ये मैं बीच में डाल दूंगी यखनी के बॉयल होने के लिए, और ये प्याज मैंने धो लिए छिलके समेत ये बीच में डाल दूंगी, और अब ये इसी तरीके से पकती रहेगी। और बाकी मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या बनाऊंगी वो ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं इसको कवर कर देती हूँ। और जी व्यूअर्स, तो चलिए मैं बताती हूँ कि बाकी सारी चीज़ें जब तक तैयार होती हैं तो आप लोग वो थोड़ी सी पिक्चर्स हैं बच्चों की क्लिक की भी वो मैं अपलोड करती हूँ, और जो ईद के फर्स्ट डे मेरे मम्मी लोग घर आए थे तो मैंने खाना बनाया था उसकी पिक्चर्स अपलोड करती हूँ। तो जब तक आप वो देखें फिर मैं जो चीज़ बनाऊंगी। और हाँ, प्लीज़ जो मैं पुलाव की रेसिपी शेयर करी वो लाजमी देखिएगा क्योंकि पुलाव बहुत मजे का बनता है और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, तो आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। जैसे मेरी बिरयानी आप लोगों को पसंद आई है तो आपको मेरा पुलाव भी बहुत मजे का लगेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और बाकी के क्लिप्स देखिए। ज़रा सा पानी रह गया है और फिर अब मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। जब ये दम लग जाएगा और फिर मैं इसको सर्व करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए